विधानसभा में कांग्रेस ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं मंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नर्सिंग घोटाले पर सदन में मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्ष के आरोप आधारहीन है। मोहन सरकार दोषियों पर कार्यवाही कर रही है और हम सिस्टम को सुधार रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कांग्रेस बिना तथ्यों के मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया है। कांग्रेस बिना बात के मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, बिंदुवार मैंने सदन में जवाब दिया, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे पा रही। 20 मार्च को कमलनाथ जी इस्तीफा देते हैं, उसी दिन नए कॉलेज की मान्यता दी जाती है, 353 की लिस्ट दी जाती है, आनंद फानंद। क्या दिक्कत थी, क्या जल्दबाजी थी, उसका जवाब नहीं दे पाए। चाहे निरीक्षण का मामला हो, आपने बिना निरीक्षण के काम किया, हमने निरीक्षण शुरू करवाया, डुप्लीकेट फैकल्टी पर हमने काम किया, उसको रोकने का प्रयास किया, हमने ऑनलाइन प्रक्रिया की, कह रहे हैं हमने कॉलेज शुरू करवाए। अरे हमने जो कॉलेज बंद कराया उसका भी तो जिक्र कर लो, और हमने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी किया है, और आज ये स्पष्ट हो गया कि यदि आप किसी पर कीचड़ उछालते हो और झूठ बोलते हो तो आप ही को कीचड़ में गिरना पड़ता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।